नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पांच शहर पांच खबर। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के दंतवाड़ा में नक्सलियों की नापाक साजिश, फिर कर्नाटक के दौरे पर निकले सीएम योगी के चुनाव प्रचार की बात होगी, उसके बाद निकाय किरण की, फिर बात करेंगे अतीक के जीजा पर कार्रवाई की, आखिर में बद्रीनाथ धाम के कपाट की। तो शुरुआत करते हैं आज का ये खास बुलेटिन। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में करीब एक दर्जन जवान शहीद हो गए, जिसमें डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर शामिल है। दंतेवाड़ा के अरनपुर में आईईडी ब्लास्ट में जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ जारी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, यह बहुत दुखदाई है, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, ये लड़ाई अपने अंतिम चरण में है, नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से ये बहुत ही दुखद हुआ। दंतेवाड़ा में एक दर्जन जवान शहीद हो गए। जिस प्रकार से आपको बता दें, नक्सलियों ने और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, आईडी ब्लास्ट में जवान शहीद हो गए हैं और 10 जवान और एक ड्राइवर शामिल है इसमें। 10 डीआरजी के जवान शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर है और एक दर्जन जवान शहीद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में करीब एक दर्जन जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर शामिल है। दंतेवाड़ा के अरनपुर में आईडी ब्लास्ट में जवान शहीद हो गए हैं और उसके बाद काफी वहां पर सख्ती कर दी गई है। नक्सलियों पुलिस के बीच मुठभेड़ जारी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये बहुत ही दुखदायी हुआ है और हम परिवारों को शोक संवेदनाएं देते हैं। साथ ही साथ कहा, यह बहुत ही दुखदायी है, मेरी संवेदनाएं हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से शिवम सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, देखा जाए छत्तीसगढ़ के दंतवाड़ा में आज जिस प्रकार से नक्सली हमला हुआ, ये बहुत ही दुखद है और वहां पर देखा जा रहा है कि अब भी मुठभेड़ लगातार जारी है। क्या कुछ फ्रेश अपडेट है वहां पर अभी? देखिए सुनील, ये दंतेवाड़ा का अरनपुर थाना क्षेत्र है और अरनपुर समेली के बीच हमला हुआ है जी। दरअसल 50 किलो का जो ब्लास्ट हुआ, आईडी ब्लास्ट, वो 50 किलो का था और इस आईडी ब्लास्ट में खबर ये है कि 11 जो शहीद हुए हैं, 11 जवान पुलिस के, और इसमें तमाम जो शहीद हैं उनके नाम भी सामने आए हैं, जिसमें जोगा सोड़ी, मुन्नाराम करती, संतोष तमो, गुल्लो मंडावी, लखमू मरकाम, जोगा कवासी, हरिराम मंडावी, गोपनीय सैनिक राजू राम करटव, जयराम पोड़ियाम, जगदीश कवासी और गाड़ी के ड्राइवर धनीराम यादव, यानी कि जो गाड़ी चला रहे थे इस पिकअप को, उसके ड्राइवर धनीराम यादव भी इसमें शामिल है जो शहीद हुए हैं। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का वो इलाका है सुनील, यहाँ नक्सली हमला कोई पहली बार नहीं हुआ है जी। यहाँ अक्सर नक्सली हमले होते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा हमला शायद काफी दिनों बाद हुआ है। हमले यहाँ होते रहते हैं। छत्तीसगढ़ के सामने सुनील सबसे बड़ी चुनौती है, छत्तीसगढ़ को बने हुए 23 साल हो गए, साल 2000 में छत्तीसगढ़ बना, 15 साल तक रमन सरकार सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी की, अभी भूपेश बघेल की कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गईं सुनील, लेकिन दावा यही किया गया कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खात्म किया जाएगा। इसके लिए तमाम सारे अभियान चलाए गए छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए। आपको याद होगा काफी साल हो गए जब झीरम घाटी कांड छत्तीसगढ़ में हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी के कई बड़े सीनियर नेताओं की जान चली गई थी, तकरीबन 10 से 15 लोग इस झीरम घाटी हमले में मारे गए थे। तो नक्सलवाद हमेशा से सुनील छत्तीसगढ़ के लिए चुनौती रही है। फिलहाल ये लोग जो जवान थे वो सर्च ऑपरेशन के लिए गए थे, सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, तभी क्या होता है नक्सली इनको दिख जाते हैं। हालांकि ये सर्च ऑपरेशन नक्सलियों के लिए ही था। जवान नक्सली देखे, फायरिंग होती है, इधर से मुठभेड़ होती है, ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई और इसके बाद 50 किलो के आईडी से, 50 किलो के आईडी से उस पिकअप गाड़ी को उड़ा दिया गया, जिसमें ये जवान सवार थे, जिसमें जो ड्राइवर था पिकअप गाड़ी चला रहा था उसकी भी फिलहाल जान गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया। जो वहां के बस्तर दरअसल जो दंतेवाड़ा जिला है वो बस्तर संभाग में आता है, बस्तर रेंज में आता है और बस्तर छत्तीसगढ़ का एक सबसे बड़ा संभाग माना जाता है। हालांकि चुनाव भी नजदीक है तो हो सकता है कि शाम तक देखने को मिले प्रतिक्रिया विपक्ष के नेताओं की, इस नक्सली हमले को चुनाव से जोड़कर देखा जाए। लेकिन
बस्तर को नक्सलवाद से कैसे निजात दिलाना है, इसको लेकर तमाम बातें कही जाती हैं कि बस्तर नक्सलवाद से मुक्त होगा, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होगा। फिलहाल जो बस्तर संभाग है उसमें 12 विधानसभा सीटें आती हैं और 12 की 12 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के कब्जे में है। कहते हैं कि जिसने बस्तर जीता उसी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी, और 2018 में हुआ भी यही था, बस्तर जीता था कांग्रेस पार्टी ने और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनी। लेकिन नक्सलवाद की यह घटना सामने आई है, बेहद ही झकझोर देने वाली है। 11 जवानों की शहादत, एक अपूर्णीय क्षति, एक ऐसी क्षति जो जिसको कभी पूरा ना किया जाए, और हो सकता है कि आने वाले घंटों में विपक्ष इस पूरे के पूरे हमले के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को जिम्मेदार ठहरा दे। देखिए, शहादत हुई है जवानों की, किसी का बाप चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी माँ का कलेजे का टुकड़ा चला गया, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनाव है और चुनाव है तो राजनीति भी लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंक रहे हैं। आज बीजेपी के कई बड़े नेता चुनाव प्रचार में कूदे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कर्नाटक के अलग अलग शहरों में प्रचार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के मांड्या जिले में रोड शो किया और उसके बाद जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मांड्या में प्रचार करते हुए कहा कि आज कांग्रेस विकास की बात कर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन उनकी विकास की हकीकत क्या थी, पंचवर्षीय योजना। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आज जिस प्रकार से कर्नाटक में चुनाव नजदीक आते हैं, सरगर्मियां तेज हैं और नेता अपने अपने पार्टियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार किया और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आज योगी जी ने वहां पर जनता को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे और कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए, क्या कुछ कहना है योगी जी का इस चुनाव को लेकर? देखिए सुनील, बिल्कुल कर्नाटक में चुनावों की तारीखों का जैसे जैसे ऐलान हुआ था, ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो घोषित कर दी थी। पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम जो है स्टार प्रचारक के रूप में सबसे पहले सामने आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और अब तक उन्होंने कितने अच्छे कार्य किए, और हिंदुत्व का जो है सबसे बड़ा चेहरा जो है योगी आदित्यनाथ है, तो सबसे पहले हिंदुत्व के नाम पर जो है योगी आदित्यनाथ को जो स्टार प्रचारक के रूप में वहाँ के जो प्रत्याशी रहते हैं वो उसकी डिमांड करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की डिमांड यहाँ सबसे पहले की जाती है। तो उसके बाद जैसे जैसे चुनावों की नजदीकियां बढ़ी तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेताओं का स्टार प्रचारकों के रूप में चुनावी सभाओं को संबोधित करने पहुंचे। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपनी सभा को संबोधित करने पहुंचे। वहीं बात की जाए विजयपुर के अंदर जो है सबसे पहले उन्होंने मंदिर के दर्शन किए, भगवान से प्रार्थना की और अपने प्रत्याशी के लिए कर्नाटक के अंदर वोट मांगी। और कहा जा रहा है कि इस तरीके से डबल इंजन की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कर्नाटक में भी तो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने कर्नाटक में जा रही है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस पर हमला में साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस ने अब तक जो है कुछ भी कार्य नहीं किए, चाहे वो जनता की बात की जाए या बेरोजगारी की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए या बिजली की बात की जाए या किसी भी रोजगार की बात की जाए, तो उसको देखते हुए उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस पे हमला बोला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यदि सरकार कर्नाटक में बनती है तो सारे वादे पूरे करेगी। तो खुद योगी आदित्यनाथ आज स्टार प्रचारक के रूप में सबसे पहले अपनी रैली को संबोधित किया और संबोधित करने में उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगी और कहा कि प्रत्याशी को जिताया जाए और भारतीय जनता पार्टी को एक बार दोबारा से कर्नाटक के अंदर सरकार बनाने का मौका दिया जाए। जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए वोट तो मांगे लेकिन कांग्रेस पर तमाम आरोप भी मढ़े हैं, आरोप मढ़ने के बाद विपक्ष का क्या कहना है? देखिए बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से कर्नाटक में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के नेताओं पर जमकर हमला बोला और कहा कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो गुंडे की बात की जाए, माफियाओं की बात की जाए, तो उन्होंने उसका भी जिक्र किया। लेकिन उसी के बाद जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर चुनाव प्रचारों की सूची जारी की गई और उसमें जो है तारीखों का ऐलान किया गया, जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारकों को जो है जल्दी से जल्दी कर्नाटक के दौरे पर भेजेगी। पहले कल जो है डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने
रैली को संबोधित किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगी। उसके बाद आज योगी आदित्यनाथ ने भी जो है अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगी और भारतीय जनता पार्टी को जिताने की बात कही और कहा कि विपक्ष की तरफ से बात की जाए तो विपक्ष भी पूरी तरीके से हमलावर नजर आया और कहा कि हमलेवार के लिए भी तो कर्नाटक में जो चुनावों की नजदीकें आ रही है, ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी अपने झूठे वादों को पूरा कर रही है। झूठे वादे दिखाने का जो कार्य है भारतीय जनता पार्टी ने अब तक किया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा कि डबल इंजन की सरकार भारत दोबारा कर्नाटक में चुनाव जीतेगी और दोबारा भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने आ रही है। जी शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की कड़ी में मेरठ में बीजेपी ने अखिलेश यादव को ऐसा बड़ा संदेश दिया कि सपा के गढ़ में ही कलेश हो गया है। यहां बीजेपी से चुनाव लड़े बिना ही सपा हार गई और इससे सपा के कई नेता भी खफा हैं। महापौर प्रत्याशी सीमा प्रधान के गढ़ में बीजेपी की सेंधमारी सपा की टेंशन बढ़ा रही है और बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। मेरठ में दूसरे चरण में मतदान होना बाकी है तो वहीं इससे पहले ही बीजेपी ने सपा के खिलाफ खेला कर दिया है। बीजेपी ने बिना चुनाव लड़े ही सपा को मेरठ नगर निगम के वार्ड संख्या 26 और वार्ड 78 पर हार का स्वाद चखा दिया है। वार्ड 26 से बीजेपी के सत्यपाल सिंह मास्टर और वार्ड 78 से बीजेपी के संदीप रेवड़ी निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। इनमें वार्ड 26 की जीत की गूंज देखी जा रही है क्योंकि वार्ड 26 में सपा विधायक अतुल प्रधान और उनकी पत्नी सपा से महापौर प्रत्याशी सीमा प्रधान रहते हैं। अब सपा के इस गढ़ में बीजेपी के खिलाफ सपा पार्षद सीट पर प्रत्याशी भी नहीं उतर पाई और बीजेपी पार्षद प्रत्याशी सत्यपाल सिंह मास्टर निर्विरोध जीत गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से वहां खुशी देखी जा रही है। मेरठ में बीजेपी की सपा को चुनौती है। सपा के गढ़ में खेला हो गया है, बिना लड़े ही सपा से जीत गई है बीजेपी और वार्ड नंबर 26 और वार्ड नंबर 78 से निर्विरोध जीत गए हैं। और इस खबर से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियम पाठक लखनऊ से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, इलेक्शन हुए पहले ही वार्ड 26 और वार्ड 78 से बीजेपी अनअपोज्ड निर्विरोध जीत गई है, खुशी की लहर देखी जा रही है, क्या कुछ और निकल कर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए लगातार कह सकते हैं बीजेपी ने हर एक सीट को लेकर जिस तरीके से पूरी तैयारी करी है, मंथन किया है, लगातार कई दौर की बैठकें हुई और हर एक सीट का सर्वे किया गया, हर एक सीट की रिपोर्ट जो थी वो चीज नेतृत्व ने जो है उसको देखा, उसको ऑब्जर्व किया और उसी का कहीं ना कहीं नतीजा है। अगर आप देखें तो जो फाइट थी वो साफ तौर पर नहीं हुई अब और वो कहीं ना कहीं निर्विरोध रूप से जो है बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो इन दो बूथ पर, बूथ संख्या जो 26 और बूथ संख्या 78 पर जीतते हुए नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी की जो रणनीति है वो काम आई है, जिस तरीके से निर्विरोध चुना गया है इन दोनों सीटों पर। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी की ये दोनों ही जो वार्ड थे वो गढ़ माने जाते रहे हैं, ऐसे में उन सीटों पर निर्विरोध चुना जाना तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पार्टी के लिए कहीं ना कहीं रहने वाला है। और साफ तौर पर अगर आप देखें तो इसका फायदा जो है निकाय चुनाव के जो अंतिम परिणाम आएंगे तो उसके साथ में भी एक बड़ी जीत के तौर पर ये निकल के सामने आएगा। और बीजेपी बात को बात को बखूबी समझती है, उसका किस तरीके से और जगहों का फायदा लेना है या किस तरीके से इसको इसके जरिए दूसरी सीटों पर इसका फायदा लेना है उसका भी मैथड पहुँचाने कहीं ना कहीं कवायद की जाएगी। तो पूरा कह सकते हैं बीजेपी अपनी रणनीति जो जिस तरीके से उसने अपने कह सकते हैं शतरंज की गोटियों को सेट किया है उसी के चलते हुए आप अगर आप देखें तो बेहतरीन लड़ाई करती हुई नजर आ रही है। इन दो सीटों पर निर्विरोध रूप से चुना जाना, इसके अलावा हर एक सीट को लेकर जो उसका विश्लेषण रहा है और यही नतीजा रहा है कि जो रणनीति बीजेपी की रहती है वो बहुत मजबूत होती है। और इसके अगर आप देखें तो पिछले जो कई चुनाव हुए हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव रहे हों, चाहे विधानसभा या लोकसभा के उपचुनाव रहे हों, बाई इलेक्शन रहे हों, उन सभी में बीजेपी अपनी रणनीति की वजह से ज्यादातर जो है वो जीतती हुई नजर आई है। और जो उसकी तैयारियां रहती हैं जी, हर एक सीट को लेकर आकलन करना, हर एक वार्ड को लेकर आकलन करना, वहां पर जो मतदाताओं की संख्या है उसको लेकर आकलन करना, हर एक पैटर्न नियोजित तरीके से बीजेपी अपनी चाल चलती है। और शायद यही वजह है कि आप देखें लगातार बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है बेहतर हो रही है और यही वजह है कि शायद बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं उनका मनोबल भी इसके बाद काफी बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, मनोबल उनका बढ़ चुका है। प्रिय, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ विपक्ष का इस पर क्या कहना है और निर्विरोध चुनने के बाद आसपास के जो और वार्ड है वहां पर माहौल किस प्रकार का है?
देखिए बात करें तो माहौल पूरी तरीके से इस समय सियासी सरगर्मी काफी तेज है, सभी दल मैदान में है। जाहिर सी बात है कि जो जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई की बात निकल के सामने आई है सपा के प्रत्याशी को, तो उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं जान के इस तरीके की चीजें कराई गई हैं और वो साफ तौर पर बीजेपी पे आरोप लगाते आ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन जो है वो सरकार के सारे पे काम कर रहा है। इसके अलावा और भी तरीके के आरोप जो है वो लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो अन्य सीटों पर भी इसका साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी फायदा उठाना चाह रही है और वो इस बात का मैसेज पहुंचा रही है कि चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी ने जो है वो हथियार डाल दिए हैं, सरेंडर कर दिया है, और इस तरीके के मैसेज के जरिए लोगों के बीच में एक बेहतर मैसेज पहुंचाने की कवायद की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वहां के जो प्रत्याशी है, उनका मनोबल भी काफी इस समय बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बॉडी लैंग्वेज जो है वो काफी बेहतर नजर आ रही है और उसी का नतीजा है कि आप देखें तो इस तरीके के चुनावी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफिया अतीक अहमद का जीजा मेरठ निवासी डॉक्टर अखलाक पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। शासन के आदेश पर डॉक्टर अखलाक को तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग से सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद का जीजा स्वास्थ्य विभाग मेरठ में डॉक्टर के पद पर तैनात था। डॉक्टर अखलाक ने प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के आरोपी गुड्डू मुस्लिम को मेरठ में अपने घर में पनाह दी थी। यूपी एसओजी की मेरठ में डॉक्टर अखलाक के घर छापेमारी में सीसीटीवी फुटेज में गुड्डू मुस्लिम और डॉक्टर अखलाक के वीडियो मिले थे, जिसके बाद एसओजी ने डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद मेरठ सीएमओ ने रिपोर्ट बनाकर शासन को कार्रवाई करने के लिए भेजी थी, जिस पर शासन ने प्रयागराज की नैनी जेल में बंद डॉक्टर अखलाक को सस्पेंड कर दिया। अतीक ने किया गुनाह, आपको बता दें जीजा ने इसकी सजा पाई है। माफिया परिवार पर सीएम योगी का शिकंजा कसा है। स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर अखलाक को बर्खास्त कर दिया गया है। मेरठ में डॉक्टर के पद पर तैनात थे अखलाक। फरार गुड्डू मुस्लिम को घर में ही पनाह दी थी। फिलहाल नैनी जेल में बंद है आरोपी अखलाक। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, जिस प्रकार से देखा जाए कि अतीक के जीजा डॉक्टर अखलाक को सस्पेंड कर दिया गया है और ये निकल कर आ रहा है कि उन्होंने पनाह दी थी गुड्डू मुस्लिम को, और ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने निकल कर आया था, और क्या अहम जानकारी और निकल कर आ रही है? देखिए, चूंकि अतीक के जीजा है वो सरकारी पद पर थे और उन पर गंभीर आरोप लगा है, और इसकी वजह से न सिर्फ उन पर आरोप लगा है बल्कि उनकी उनकी गिरफ्तारी हुई है, और बाकायदा जो प्रयागराज का नैनी सेंट्रल जेल है उन्हें जेल भी भेजा जा चुका है। सरकारी पद पर रहने पर यह कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत जो उनके विभाग है इसकी जानकारी शासन को दी थी, और शासन ने इतने दिनों बाद, हालांकि उनकी गिरफ्तारी कई दिन पहले हो चुकी है और वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल में है, और उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। उनकी तरफ इस तरह का आरोप लगा था कि वो फाइनेंस करते थे, शूटर्स को उन्होंने मदद की थी, पनाह दी थी, इस तरह के गंभीर आरोप थे जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उन्हें जेल भेजा गया था। अब शासन ने उस अप्रूवल उस मामले को अप्रूव कर दिया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल जो उनका विभाग है उसने इसकी संस्तुति के लिए शासन को भेजा था, जिसके बाद सरकार ने फैसला लेते हुए उन पर कार्रवाई की है। तो कह सकते हैं कि चूंकि सरकारी पद पर थे और गंभीर मामले में फिलहाल वो जेल में है, जेल से जाने के बाद एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो ये निश्चित तौर पर अतीक परिवार के लिए जो मुश्किलों का दौर है वो कम नहीं हो रहा है। पहले बेटे का इनकाउंटर, फिर अतीक और अशरफ की हत्या, उसके बाद परिवार के लोगों को लगातार आरोपी बने हैं। तमाम मामलों पर पुलिस उनकी तलाश कर रही है, इसकी अपनी टीम तलाश कर रही, और अतीक के जो जीजा है वो फिलहाल जेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब उनकी नौकरी पर भी एक तरह से कह सकते हैं संकट के बादल छा चुके हैं, और उसकी पहली कड़ी में उन पर ये कार्रवाई की जा चुकी है, और उम्मीद की जा रही है कि अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है कि उनकी बर्खास्ती भी हो जाए, यानी विभाग सबको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि इस पर कार्रवाई हो चुकी है, जेल में बंद है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, डॉक्टर अखलाक की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, उनके परिवार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया उस पर? देखिए, इस पूरे मामले में तकनीकी पहलू दर्शकों के लिए बता दो, जहां अखलाक को पकड़ करके इस पूरे मामले में जेल भेजा जा चुका है, वहीं जो उनकी पत्नी है जो अतीक की बहन आयशा नूरी, वो लगातार पुलिस की पहुंच से दूर भाग रही है, क्योंकि वो भी इस पूरे मामले में इसी मामले में आरोपी हैं, जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने भी मदद की थी, फाइनेंस किया था,
इसलिए और न सिर्फ वो अखलाक की पत्नी यानी अजीत की बहन आयशा नूरी बल्कि उनकी बेटियां भी इस मामले में आरोपी बनाई गई हैं जो लगातार पुलिस से बचने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि सीजीएम कोर्ट में उन्होंने सरेंडर के लिए एक अप्लीकेशन डाली थी जिस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल अभी सुनवाई नहीं हो सकी। एक तरह से कह सकते हैं कि उनके सरेंडर करने के अभी रास्ते बंद हैं। तो उनका पूरा परिवार कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में उस पर शिकंजा कसा हुआ है। ऐसे में उनकी तरफ से ना ही कोई बयान आया है, जहां तक जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई फिलहाल नैनीतंडल जेल में है। तो ये कह सकते हैं कि उनके परिवार पर लगातार संकट के बादल मंडरा रहे, जहां पति जेल जा चुका है वही पत्नी यानी अतीक की बहन वो लगातार पुलिस से बचने की कोशिश कर रही है और कानूनी रूप से वो सरेंडर करने का भी प्रयास कर रही है। हालांकि उनकी तरफ से अर्जी सीजीएम कोर्ट में दी जा चुकी है, लेकिन आज भी उस पर सुनवाई नहीं हुई है। जो थाने से संबंधित थाने से रिपोर्ट आनी थी वो अभी तक नहीं है, इसकी वजह से अभी तक उनका सरेंडर नहीं हो सका और लगातार पुलिस और एसटीएफ टीम उन्हें तलाश कर रही है और जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रही थी। शुक्रिया शुभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 27 अप्रैल गुरुवार को शुभ मुहूर्त में बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी की डोली और गाड़ू घड़ा कलश यात्रा इसके लिए योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर से निकल चुकी है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद शांतिकालीन प्रवास के लिए जोशीमठ में प्रवासरत आदि गुरु शंकराचार्य की डोली पूर्ण विधि विधाने और पूजा अर्चना के बाद 25 अप्रैल को भव्य रूप से सुसज्जित होकर पौराणिक गाड़ू घड़ा कलश यात्रा के साथ पूरी सुरक्षा के बीच योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर पहुंच गई और अब बद्रीनाथ धाम के लिए पांडुकेश्वर से यात्रा निकल चुकी है। कल लोग भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे और कल शुभ मुहूर्त में मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अभय केंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलेंगे, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, भक्तों में जोश बहुत देखा जा रहा है, किस प्रकार का नजारा है वहां पर? बिल्कुल, अगर बद्रीनाथ के धाम के नजारे की बात करते हैं तो एक माहौल, भक्तिमय माहौल जो होता है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो श्रद्धालु अभी तक पहुंचे मंदिर में मंदिर का दर्शन करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जो था यहाँ पर पहुंच चुका है। अभी भी श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है, पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है, ट्रैफिक ना हो उसके लिए चार जोन में पूरे बद्रीनाथ धाम को बांध देने का काम यहाँ पर किया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि जो जिला प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी होगी उन एडवाइजरी का पालन यहाँ पर अवश्य करें। किसी भी प्रकार से अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी किसी श्रद्धालु को या यात्री को नजर आती तो जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर अपना जाकर परामर्श ले, डॉक्टर से परामर्श ले सकता है। 15 कुंटलों से यहाँ पर धाम को सजाने का काम किया गया है। सुबह 7:10 पर धाम के कपाट यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे और फिर जो यहाँ पर आम जो जनता है या श्रद्धालु जो आए हुए वो यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। सबसे पहले कपाट खुलने के साथ ही जो श्री गणेश भगवान की यहाँ पर पूजा होगी, उद्धव और कुबेर जी की डोली अंदर जाने का काम यहाँ पर करेगी। जैसे ही डोली अंदर जाएगी माँ लक्ष्मी की डोली मंदिर से बाहर आएगी और इसलिए उत्तराखंड का जो ये धाम है ये काफी पवित्र धाम यहाँ पर माना जाता है, बैकुंठ धाम इसे कहते हैं। और इस धाम की स्थापना कह सकते हैं कि 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य की तरफ से यहाँ पर की गई थी। जो यहाँ पर भगवान विष्णु की जो मूर्ति यहाँ पर स्थापित की जो बनाई गई है वो अष्टधातुओं की मूर्ति है। सबसे बड़ी बात है कि इस मूर्ति के दर्शन मात्र से ही लोगों के जो पाप है वो यहाँ पर धुल जाते हैं, पुण्य पुण्य प्राप्त होता है। जी अभय, बिल्कुल आपने बताया तैयारियां पूरी लगभग हो चुकी हैं, कल कपाट खोले जाएंगे और देखा जा रहा है कि सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो श्रद्धालुओं का वहां पर इकट्ठा होना है, श्रद्धालु वहां पर कितने हैं और किस प्रकार का इंतजाम श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की तरफ से किया गया है? की तरफ से हर श्रद्धालु के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था करी गई है। प्रशासन की तरफ से सभी यात्रियों से यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है कि जिन लोगों का पंजीकरण बद्रीनाथ धाम के लिए हुआ है वो उसी तिथि में यहाँ पर आने का काम करें। अनावश्यक भीड़ से और पाने के लिए भी लोगों से अपील की जा रही है कि अनावश्यक भीड़ यहाँ पर ना हो, उसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस प्रशासन की निगरानी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। साथ ही पूरे रास्ते भर में ये कह सकते हैं कि जो ऑल वेदर रोड के जो काम चल रहे हैं जहाँ पे संवेदनशील
क्षेत्र है वहाँ पर भी पुलिस के सीआरपीएफ के जवान वहाँ पर तैनात किए गए। धाम में पूरी तरीके से जो व्यवस्था उसको बनाने का काम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के तरफ से यहाँ पर किया गया है। आज जिलाधिकारी और पुलिस के एसएसपी दोनों ने यहाँ पर मंदिर के में यात्रा की तैयारियों का जायजा यहाँ पर लिया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिला प्रशासन के जो अधिकारी यहाँ पर है, मंदिर समिति के जो अधिकारी हैं, उनसे वार्ता यहाँ पर की जा रही है ताकि सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम हो सके और उनको धामों में दर्शन आसानी से सुगमता के साथ हो सके, ऐसी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और फ्रेश अपडेट देने के लिए। कल बद्रीनाथ कपाट खुल जाएंगे और कपाट खुलने के बाद श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे और देखा जा रहा है तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है, श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और शुभ मुहूर्त में कल कपाटों को खोला जाएगा। लोग आतुर हैं, लालायित हैं दर्शन करने के लिए और कल बद्री विशाल के दर्शन जो दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं वो कर सकेंगे। और फिलहाल पांच शहर पांच खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।